अनंत चतुर्दशी आने वाली है और अभी हम लोग गणेश जी की स्थापना गणेश चतुर्थी को किए, तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी को गणेश की स्थापना करते हैं और अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी का विसर्जन करते हैं। कुछ लोग विसर्जन को सोचते हैं कि विसर्जन मतलब अब गणेश जी को विदा करना, नहीं, विसर्जन का मतलब है हमने जो प्रार्थना की संसार की कल्याण के लिए, यही हिंदुत्व है। हिंदुत्व यही है जो संसार की कल्याण के लिए प्रार्थना करता है। तो सभी हिंदू लोग गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्थी, अनंत चतुर्दशी तक संसार की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं। अब कहेंगे प्रार्थना से क्या होता है? देखिए, जो गणेश महोत्सव, जो गणेश उत्सव की परंपरा अपने महाराष्ट्र में मनाई जाती है, उसका एक उद्देश्य था, एक दूल था, देश की आजादी के लिए। और उस गणेश जी की पूजा से, प्रार्थना से देश आजाद हुआ। तो देश आजाद हुआ गणेश जी की प्रार्थना से। तो यह देश की प्रार्थना, देश की आजादी के लिए यह प्रार्थना शुरू की गई, यह उत्सव शुरू किया गया। तो देश तो आजाद हो गया। तो गणेश जी का जो उद्देश्य है पूजा का, गणेश पूजन का, वह है संसार की भलाई के लिए। तो जो विसर्जन है, विसर्जन का मतलब नहीं है कि गणेश जी को विदा कर दिया और गणेश जी चले गए, ऐसा नहीं। गणेश जी अब जो हमने प्रार्थना की है संसार भर में फैल जाए, यही विसर्जन है। फैलना, पहुंचना, विस्तृत होना, हाँ, यही विसर्जन का मूल अर्थ यही है। तो अनंत चतुर्दशी की जो पूजा होती है वह अनंत फलदायी होती है और भगवान विष्णु का नाम ही अनंत है। इस दिन क्या किया जाता है? अनंत चतुर्दशी के दिन, चतुर्दशी मतलब 14, तो चतुर्दशी के दिन एक रक्षा सूत्र लिया जाता है। जैसे ये रक्षा सूत्र है ना, ये रक्षा सूत्र है, ये रक्षा सूत्र में कुल 14 गांठ बनाई जाती है। फिर 14 गांठों में भगवान के 14 नामों से पूजा होती है। 14 गांठों में भगवान के 14 नामों से पूजा होती है और 14 जो भी चढ़ाया जाएगा वह 14 होना चाहिए। फिर तीन, तब फिर तीन सुपारी, फिर तीन लवांग, फिर तीन फल और फिर तीन बार चंदन, जो फिर तीन दिया, जो भी कुछ है वह 14 बार चढ़ाया जाता है। और भगवान को चढ़ा करके उस 14 गांठों में अनंत रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं और भगवान के 14 नामों से पूजा होती है। भगवान के वो 14 नाम क्या है? पहला नाम होता है अनंत, जो गांठ बांधी जाती है डोरे में, ये जो गांठ बांधी जाती है डोरे में, उसमें पहले में अनंत नाम की गांठ बांधी जाती है। भगवान विष्णु का नाम अनंत है। दूसरा है, दूसरा होता है ऋषिकेश, तीसरा होता है पद्मनाभ, चौथा होता है माधव, पांचवा होता है बैकुंठ, छठवा होता है श्रीधर, सातवां होता है त्रिविक्रम, आठवां होता है मधुसूदन, नौवां होता है वामन, दसवां होता है केशव, 11वां होता है नारायण, 12वां होता है दामोदर और 13वां होता है गोविंद और जो 14वां अंतिम नाम है वो होता है श्रीहरि। तो ये 14 नाम की गांठ बांध करके रक्षा सूत्र में और उन 14 पर पूजा होती है और पूजा करने के बाद अनंत रक्षा के लिए, अनंत सौभाग्य के लिए पुरुष के दाहिने हाथ में और स्त्री के बाएं हाथ में उसको बांधा जाता है। और यह पूजा होती कैसे है? यह पूजा होती है नदी के किनारे, कोई नदी हो वहां पर एक चौकी रख करके, सूत्र रख करके, उसमें भगवान का नाम लेकर के, गांठ बांध करके, स्थापना करके, पूजन करके उसको हाथ में बांधा जाता है। यह अनंत चतुर्दशी का
अनंत फल प्राप्ति के लिए। और यह चतुर्दशी क्यों? चतुर्दशी इसलिए कि 14 लोक माने गए हैं। भगवान विष्णु ने 14 लोगों की लोकों 14 लोकों की स्थापना स्वयं की थी। भगवान विष्णु ने जो 14 लोकों की स्थापना अनंत चतुर्दशी के दिन की थी, उसका भी नाम शास्त्रों में मिलता है। उसका नाम है तल, पहला है तल, तीसरा है वितल, चौथा है सुतल, पांचवा है तलातल, छठवां है रसातल, सातवां है पाताल, सातवां है पाताल, आठवां है भू, आठवां है भू, नौवां है भुवः, दसवां है स्वः, ग्यारहवां है जन, बारहवां है तप, तेरहवां है सत्य, और चौदहवां जो लोक है उसका नाम है मह। यह 14 लोकों की स्थापना भगवान विष्णु ने स्वयं की थी। एक कथा है, कथा यह है कि जब युधिष्ठिर राजा बने तो उन्होंने एक महल बनवाया, युधिष्ठिर ने। उस महल में जो जल था, जो जल की तरह दिखाई पड़ता था वो थल था, और जो थल की तरह दिखाई पड़ता था वो जल था। तो दिखाई पड़ता था जल, लेकिन चलने के लिए वह जमीन थी, थल था। और जहां थल दिखाई पड़ता था वहां जल था, यह अंतर था। तो दुर्योधन गया तो उसने देखा जल, तो उसने अपनी धोती थोड़ी ऊपर उठाई और उठा करके उसमें जाने लगा। तो लोगों ने, द्रौपदी ने देख करके हंस दिया। तो वहां से लौट आया, दूसरी तरफ गया तो सोचा कि थल है, तो धोती नीचे करके जा रहा था, वो जल में गिर गया। तो द्रौपदी ने जोर से हंस दिया। तो इन लोगों ने द्रौपदी से कहा कि मैं इस अपमान का बदला लूंगा। ये महाभारत की कथा है। फिर जुआ हुआ, युधिष्ठिर जुए में द्रौपदी को हार गए, और द्रौपदी के हारने के बाद सारी कहानी, लंबी कहानी है, इन लोग अज्ञातवास में रहे। और फिर भगवान कृष्ण ने कहा अनंत चतुर्दशी के दिन आप श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा करिए, जिसे आप यह युद्ध जीत जाएंगे। तो युधिष्ठिर ने अनंत चतुर्दशी के दिन इन 14 नामों से भगवान विष्णु की पूजा की, और वह महाभारत का युद्ध जीते, उनका राज्य वापस हुआ, और वह अनंत सुख की प्राप्ति किए। तो अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान के 14 नामों से गांठ बांध करके, उन 14 गांठों की पूजन करके, 14 वस्तु चढ़ा करके, और 14 वस्तु 14-14 बार चढ़ा करके भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, हवन करते हैं, और ब्राह्मण को 14 वस्तुओं का दान करते हैं, उसे अनंत गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए इसका अनंत चतुर्दशी नाम है। यह पितृपक्ष से एक दिन पहले आती है, पितृपक्ष से एक दिन पहले होती है अनंत चतुर्दशी। तो इस साल अनंत चतुर्दशी के दिन आप सब पूजन करिए, घरों में, मंदिरों में जाइए, और हो सके तो नदी के किनारे आप जाइए। और देखिए, सबका आना यहाँ पर दक्षेश्वर धाम में शायद संभव न हो, तो आप अपने अपने पंडित जी से पूछिए कि हमें अनंत चतुर्दशी की पूजा करनी है, या अनंत चतुर्दशी का रक्षा सूत्र हमें बंधवाना है, तो आप जाइए उनके पास और उनसे सलाह लीजिए। और अनंत चतुर्दशी के दिन अनंत फल प्राप्ति के लिए अनंत श्री विष्णु भगवान की पूजा करिए और सुख को पाइए। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि तो अनंत है, उनका नाम ही अनंत है, और भगवान की कथा भी अनंत है। उस दिन जरूर मंदिर जाइए और अनंत भगवान की कथा सुनिए। तो आप सबका मंगल हो। फिर जय राम जी की।